किसी ने मुझे प्रश्न पूछा
कि आप गोवा जैसे जगह पे रह के इतने साल से भक्ति कैसे करते हैं। तो पहले मैंने आपको बताया जो आप लोगों का सोच है गोवा के बारे में, गोवा वैसा नहीं है, गोवा बहुत सुसंस्कृत जगह है। और दूसरा मैंने बताया उनको कि मेरा स्वयं का साक्षात्कार है कि इतने साल से मैं अगर भक्ति कर रहा हूँ, मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा करना चाहिए था, पर जितना भी मैं कर रहा हूँ वो एक ही कारण की वजह से है, क्योंकि जब भी मुझे अवसर मिला है भक्तों का सेवा करने का, वो अवसर को मैंने बहुत गंभीरता से लिया है। भक्ति विनोद ठाकुर उनके गीत में लिखते हैं, शुद्ध भक्त चरण रेणु वचन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। तो बोलते हैं ये जो भक्ति का लता है उसका जो मूल है रूट वो क्या है, भक्तों का सेवा। तो इसलिए जब भी हमको अवसर मिलता है भक्तों का सेवा करने का, वो अवसर अगर हम गंभीरता से करेंगे तो ऑटोमेटिकली भगवान देखेंगे कि रूट स्ट्रांग है। तो अगर रूट स्ट्रांग है तो जो भी तूफान आते हैं पेड़ को शक्ति होता है सहन करने के। तो इसलिए हमारा जड़ है भक्तों का सेवा, पर भक्तों का सेवा मतलब भक्तों के संग में आके कृष्ण कथा करना। श्री प्रभुपाद ने इसको बनाया है ताकि हम सब साथ में आके कृष्ण के बारे में चर्चा कर सके, छोटा ग्रुप बड़ा ग्रुप कैसे भी रहे, पर साथ में आके कृष्ण के बारे में चर्चा करना है। मत चित्त मत गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। भगवान गीता के 10वें अध्याय में बोलते हैं ये भक्त का लक्षण है, साथ में आके भगवान के बारे में कथा कीर्तन करना। तो बहुत प्रेरणा मिल रहा है कि मौजूद जैसे जगह पर भी इतना सुंदर कार्यक्रम होता है। तो मैं एक्चुअली सोच रहा था किसने सोचा था कि मोरजिम के गांव में बीच विलेज में सत्संग होगा, सेंटर होगा, हमने तो कभी सोचा नहीं था, पर चैतन्य महाप्रभु ने सोच के रखा था। नगराधि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो गए बोला नाम कि हर एक गांव में मेरा प्रचार होगा, तो चैतन्य महाप्रभु का इच्छा था, इसकी वजह से हो रहा है। और साथ ही साथ मोरजिम के भक्तों ने काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए भगवान रिजल्ट भी दे रहे हैं। तो सत्संग के पहले अतुलता तुम मुझे बता रहे थे कि कैसे यहाँ के आजू बाजू गाँवों में भी, पाटसन में, कोरगांव में, अलग अलग गाँवों में भी प्रोग्राम बढ़ रहे हैं, लोगों का भक्तों का संख्या बढ़ रहा है, सब तिलक पहन के आते हैं, धोती कुर्ता पहन के आते हैं। दैट मीन्स आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, इज लॉट ऑफ एफर्ट्स दैट इज गोइंग ऑन। तो आई एम वेरी इंस्पायर्ड कि यहाँ पे आके मुझे बहुत प्रेरणा मिल रहा है, आप सब लोगों का संग प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। तो कृष्ण गीता के 8वें अध्याय में बताते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यह प्रयाति समद्भावम् याति नास्ति अत्र संशय। भगवान बोलते हैं जो भी उनको अंत समय में स्मरण करेगा ऐसे भक्तों को भगवान की प्राप्ति होगी। यम यम वाकि स्मरण भावा त्यजति अंत कलेवरम तम तम एवति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। अगले श्लोक में बताते हैं जो भी हम स्मरण करते हैं अंत समय में वैसा ही शरीर मिलता है। भरत महाराज ने हिरण का स्मरण किया, अंत समय में उनको हिरण का शरीर मिला। तो इसलिए हमको भगवान की प्राप्ति करनी है तो हमको अंत समय में भगवान का स्मरण करना है। पर अंत समय में कौन कर सकता है भगवान का स्मरण, जो जिंदगी भर उसने प्रैक्टिस किया है भगवान का स्मरण करने का, अभ्यास किया है, ऐसा ही व्यक्ति स्मरण कर सकता है। इसलिए इस्कॉन में श्री प्रभुपाद ने हमको दो चीज सिखाया है, द आर्ट ऑफ लिविंग एंड द आर्ट ऑफ लिविंग। तो कैसे जिंदगी जीना है और कैसे शरीर त्यागना है, दोनों का उल्लेख हमारे शास्त्रों में आता है। तो आज हमने सोचा कि हम ऐसे एक महान भक्त के बारे में चर्चा करेंगे जिनके चरित्र से हमको बहुत प्रेरणा मिलेगा कैसे जिंदगी बिताना है और कैसे अंत समय में भगवान को स्मरण करते हुए शरीर त्यागना है। तो आज हम चर्चा करेंगे नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के चरित्र से। तो हरिदास ठाकुर का चरित्र अनंत है, तो जैसे भगवान का जो लीलाएं है अनंत है, भगवान के जो पार्षद है उनके भी लीलाएं अनंत है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं हरिदास ठाकुर का गुणगान करते हैं,
मानो उनके पांच मुख हैं, दस मुख हैं, फिर भी हरिदास ठाकुर के पूरे गुण का वर्णन कर नहीं पाते। तो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो भक्त हैं, हरिनाम करते हैं, हमारे रोल मॉडल हैं हरिदास ठाकुर, रामाचार्य हरिदास ठाकुर, तो ये हमारे रोल मॉडल है। इसलिए आपको हरिनाम में रुचि प्राप्त करना है, आसक्ति प्राप्त करना है, तो हरिदास ठाकुर का ये चरित्र समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी बहुत ध्यान से समझना, हर एक छोटे पहलू को ध्यान से समझना, उसे हमको बहुत प्रेरणा मिलेगा भगवान के हरिनाम में जो शक्ति है वो प्राप्त करने के लिए। तो वर्णन आता है हरिदास ठाकुर ब्रह्मा के अवतार है, और बहुत सारे भक्त बोलते हैं कि प्रहलाद महाराज के भी अवतार है, सो कंबाइंड इंकार्नेशन ब्रह्मा और प्रहलाद महाराज के। तो जब चैतन्य महाप्रभु ये कलयुग में आते हैं, कृष्ण वदनम तुसा कृष्णम सांगोपांगार्स पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायेण यजन्ति हि सुमेधस। भगवान कृष्ण जब कलयुग में आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, अकेले नहीं आते, अपने पार्षदों के साथ आते हैं, जैसे कल गदाधर पंडित का आविर्भाव दिन था अकेले से, तो पंचतत्व के एक सदस्य हैं, जो भगवान जाते हैं अपने पार्षदों के साथ जाते हैं, तो वैसे ही भगवान के नित्य पार्षद हैं हरिदास ठाकुर। और हालांकि हरिदास ठाकुर का जन्म होता है मुस्लिम परिवार में, यमन परिवार में, पर भगवान के इतने अनन्य भक्त थे कि वो दिन रात हरिनाम करते रहते थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इनको चुना नामाचार्य के रूप में, क्योंकि भगवान बताना चाहते हैं कि वैष्णव कौन सा भी परिवार में जन्म हुआ है, अगर वो भगवान का अनन्य भक्त है, ऐसे व्यक्ति को गुरु स्वीकार करना चाहिए। सत्कर्मो लिपनो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न स्यात् वैष्णवो तो पचो गुरु। वर्णन आता है अगर कोई ब्राह्मण है जो सत्कर्म जानता है, मंत्र तंत्र सब कुछ जानता है, पर वैष्णव नहीं है, ऐसा व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता। कल हम हमारे सैटरडे कंटेंट प्रोग्राम में ये लीला चर्चा कर रहे थे, जहाँ पे कृष्ण ब्राह्मणों की पत्नियों को उद्धार करते हैं वृंदावन में। तो ये जो ब्राह्मण थे सब सत्कर्म में निपुण थे, यज्ञ करने में निपुण, मंत्र के उच्चारण में निपुण, पर वैष्णव नहीं थे, उनके पास वैष्णव का गुण नहीं था। पर उनकी जो पत्नियां हैं उनको शास्त्र पता नहीं था, वेद का उच्चारण पता नहीं था, गुरुकुल नहीं गए थे, फिर भी भगवान के अनन्य भक्त। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को चुनते हैं ये बताने के लिए, अगर किसी का जन्म कौन से भी परिवार में हुआ है, पर वो अगर भगवान का शुद्ध भक्त है, ऐसा व्यक्ति गुरु बन सकता है। और हरिदास ठाकुर का इतना स्थान था कि चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से शिक्षा प्राप्त करते हैं। हमारे पंजीम में हम एक फ्राइडे क्लास करते हैं जो सीनियर भक्त हैं उनके लिए, और उसमें हम हरिनाम चिंतामणि पुस्तक चर्चा करते हैं। ये हरिनाम चिंतामणि पुस्तक भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, और ये पुस्तक में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं हरिनाम के बारे में, और हरिदास ठाकुर उत्तर दे रहे हैं। इमेजिन कीजिए हरिदास ठाकुर का क्या स्तर है, भगवान के प्रश्न को उत्तर दे रहे, ये हरिदास ठाकुर का स्तर है। तो नवदीप का महात्म्य में भक्ति विनोद ठाकुर ये कहानी लिखते हैं, जब द्वापर युग में ब्रह्मा जी आते हैं, कृष्णा का आगमन होता है, और कृष्ण वृंदावन में लीला करते हैं, और कृष्ण अपने दोस्तों के साथ बैठ के प्रसाद स्वीकार कर रहे हैं, कृष्ण का पिकनिक, और ये देख के ब्रह्मा जी सोच रहे हैं अरे ये कैसे कृष्ण है, ये कैसे भगवान है, शायद लास्ट टू लास्ट टाइम में जब आया था हमने ब्रह्म विमोहन लीला चर्चा किया था, तो ब्रह्मा जी ये देख के सोचते हैं ये कैसे भगवान है, कृष्ण दोस्तों का झूठा गाते हैं, हम तो भगवान को पूरा अर्चना विधि के साथ अर्पण करते हैं, ये तो कृष्ण के मित्र ऐसे ही अर्पण कर रहे हैं, तो उन्होंने कृष्ण के प्रति अपराध किया। तो ब्रह्मा जी आके प्रार्थना तो करते हैं वृंदावन में, कृष्ण से माफी मांगते हैं, वृंदावन के दूली में रेंगते हैं, फिर भी ब्रह्मा जी को लगता है मैंने पूरी तरीके से भगवान से माफी नहीं मांगा है, मेरा हृदय का पूरा शुद्धिकरण नहीं हुआ है, इसलिए वही ब्रह्मा जी नवदीप जाते हैं, मायापुर जाते हैं, और वहां पे तपस्या कर रहे हैं, जहां पे हमारा इस्कॉन मंदिर है वही जगह है जहां पे ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, और तपस्या करते हैं और भगवान से बहुत रिपेंटेंस पश्चाताप के भाव में भगवान से प्रार्थना करते हैं, और उस समय चैतन्य महाप्रभु आते हैं। एक कब की कहानी है, द्वापर युग की कहानी है, चैतन्य महाप्रभु आते हैं और बोलते हैं कलयुग में मैं आऊंगा, यहाँ यही मैं अवतार लूंगा नवदीप में, और आप भी अवतार लेंगे, मेरे अनन्य भक्त बनेंगे, पर इस बार आप ब्रह्मा के रूप में नहीं हरिदास ठाकुर के रूप में आएंगे,
और आपका जन्म मुस्लिम परिवार में होगा, क्योंकि वर्णाश्रम के परे हैं हरिदास ठाकुर का जन्म, इसलिए स्वाभाविक रूप से हरिदास ठाकुर नम्र थे, क्योंकि ब्रह्मा जी को लग रहा था मेरे पास, मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान का ही सेवा कर रहा हूँ, पर क्योंकि मेरे पास पोस्ट है, ब्रह्मा जी का पोस्ट है, क्रिएटर का पोस्ट है, थोड़ा अहंकार आ गया। इसलिए ब्रह्मा जी का इच्छा होता है मुझे ऐसा जन्म चाहिए जहां पे बिल्कुल मुझे अहंकार न रहे, और वही ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर के रूप में आते हैं, और हरिदास ठाकुर का जिंदगी है हमेशा प्रचार करते रहो, क्योंकि ब्रह्मा जी भी भगवान के भक्त हैं, वो भी प्रचार करते हैं, ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्मा जी से शुरू होता है, पर ब्रह्मा जी को प्रचार करते करते थोड़ा मैनेजमेंट भी करना पड़ता है, जब पशु जाते हैं इंद्र जाते हैं उनके पास, मैनेजमेंट का भी लोड होता है। ब्रह्मा जी के मन में ये विचार था मुझे ऐसा स्थिति चाहिए जहां पे नो मैनेजमेंट, ओनली प्रीचिंग, तो इसलिए वही ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर के रूप में आते हैं। हम देखते हैं वैसे ही महाभारत में यमराज जी विदुर के रूप में आते हैं, क्योंकि यमराज भी देखिए यमराज का जो स्तर है कितना कठिन स्तर है। यमराज कौन है? भगवान के महान भक्त हैं, 12 महाजन में से एक है, और उनका कार्य क्या है? रोज लोगों को दंड देना, जजमेंट करना, इसको नरक भेजो, इसको स्वर्ग भेजो। तो यमराज जी सोच रहे हैं बाबा मैं वैष्णव हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ये सब काम करना मेरा मुख्य रोल नहीं है। इसलिए यमराज जी विदुर के रूप में आते हैं, और विदुर का जो शरीर है उनका जन्म शूद्र के माँ से होता है, शूद्रानी से होता है, फिर भी भगवान के अनन्य भक्त हैं और प्रचार करते रहते हैं। वैसे ही हरिदास ठाकुर कितने नम्र परिवार में उनका जन्म होता है और बहुत नम्रता से प्रचार करते हैं। तो आज के पूरे सेशन में ये जो चैतन्य महाप्रभु का एक श्लोक है, त्रिनादपि सुनिश्चेन तरोरपि सदृष्टना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा। तो हम देखेंगे हरिदास ठाकुर के चरित्र से कि कैसे हरिदास ठाकुर ये श्लोक को परफेक्टली फॉलो करते हैं, और क्योंकि करते हैं ये श्लोक के अनुसार चलते हैं वो हरिनाम कर पाते हैं। तो हरिदास ठाकुर का जन्म भी ऐसे नम्र परिवार में होता है और पूरा जिंदगी भर वही नम्र अवस्था में रहते हैं, कि कंटिन्यूज सेम ह्यूमिलिटी। तो शास्त्र वर्णन करते हैं कि भगवान कृष्ण का जो नाम है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामेनो। तो हरिदास ठाकुर के चरित्र का पूरा जिंदगी भर उन्होंने हरिनाम को समर्पित कर दिया पूरा जिंदगी, और ये जो हरिनाम है हरिदास ठाकुर को जो भी इच्छा था आध्यात्मिक इच्छा सब प्रदान करता है। इसलिए जब हम जप करते हैं हमको ये ध्यान में रखना है भगवान का जो नाम है भगवान से अभिन्न है, और भगवान का नाम हमारी सब इच्छाओं को पूरा करेगा, नाम चिंतामणि हमारी सब इच्छाओं को पूरा करेगा, पर हमारा कर्तव्य है सही इच्छा रखना, टू डिजायर प्रॉपरली। तो हरिदास ठाकुर का जन्म बांग्लादेश में एक डिस्ट्रिक्ट है खुलना डिस्ट्रिक्ट, वहां पे गांव है बुरौन गांव, तो वहां पे इनका जन्म होता है। और अद्वैत विलास में वर्णन आता है कि हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु से 35 years सीनियर थे, मतलब उनका जन्म चैतन्य महाप्रभु के पहले 35 years पहले हो जाता है। इमेजिन करो उनका उम्र क्या था। तो सबसे सीनियर वैष्णव कौन थे? हरिदास ठाकुर और अद्वैत आचार्य, चैतन्य महाप्रभु के पहले ही आ गए थे। और उनका पिताजी का नाम था खान उल्ला खाजी। चैतन्य भागवत बोलते हैं, चैतन्य भागवत में वर्णन आता है बुरौन ग्राम अवतीर्ण हरिदास से भाग्य से सब देशे कीर्तन प्रकाश कत दीन ताकिया आईला गंगा तीरे असिया रहीला फुलिया शांतिपुरे पाइया तहन संग आचार्य गोसाई हुंकार करेन आनंदेन अनंत नाय। तो ये संक्षेप में वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में वर्णन करते हैं कि हरिदास ठाकुर का जन्म होता है बुरौन गांव, बांग्लादेश के बुरौन गांव में, और ये जो जगह है ये जगह का इतना भाग्य था से भाग्य से सब देश कीर्तन प्रकाश। तो ये सब जगह पे हरिदास ठाकुर जाके प्रचार करते थे हरिनाम कीर्तन का। तो ऐसे प्रचार करते करते वो बुरौन गांव से फुलिया, नवदीप के पास एक जगह है फुलिया डिस्ट्रिक्ट, तो वहां पे आते हैं और वहां से कभी कभी शांतिपुर जाते हैं अद्वैत आचार्य के संग में, और ऐसे करते करते वो जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं। तो वर्णन आता है जब बुरौन हरिदास ठाकुर का जन्म बुरौन गांव में होता है
और उनके थोड़े दिन बाद थोड़े साल बाद वो एक जगह पे आते हैं बांग्लादेश में जिसको बोलते हैं बेनापोल, एक गांव है बेनापोल डिस्ट्रिक्ट। तो इस शास्त्र चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, हरिदास यमे नीचे गृह त्याग कैला बेनापोले वन मध्य कोटि दिन रहिला। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं जब हरिदास ठाकुर अपना जो गांव है बुरोन गांव को छोड़ के जब बेनापोल आते हैं उस समय बेनापोल एक वन था, बेनापोल वन मध्य कोटि दिन रहिला थोड़े दिन रहते हैं। तो हरिदास ठाकुर का चरित्र था उनका एक फिक्स्ड रेजिडेंस नहीं था, भगवान का नाम का प्रचार करते हुए अलग अलग जगह घूमते थे। नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमण नामे, भगवान के नामों का प्रचार करते हुए घूमते रहते थे, लोगों को प्रचार करो उद्धार करो अगले जगह पे चले जाओ। तो ये प्रचारक का जिंदगी है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि एक बार नारद मुनि दक्ष के पुत्रों को मिलते हैं, दक्ष ने 100 पुत्रों को जन्म दिया था और वन में भेजता है तपस्या करने के लिए ताकि वापस आके वो गृहस्थ बने प्रजा का उत्पन्न करें। पर वहां पे नारद मुनि मिल जाते हैं, नारद मुनि उनको बोलते हैं अरे एक समय क्यों वर्त करो, ब्रह्मचारी बन जाओ संन्यास बन जाओ। ये सब लोग संन्यास बन जाते हैं, दक्ष फिर से पुत्रों को अगला बैच पैदा करते हैं तो फिर से वन में भेजते हैं, फिर से नारद मुनि उधर मिलते हैं फिर से संन्यासी बना देते हैं। तो दक्ष नारद मुनि को श्राप देते हैं कि आप एक जगह पर कभी रुक ही नहीं सकते, आपके पैर में जो क्या बोलते हैं व्हील्स रहेगा, अब घूमते रहेंगे। तो ये नारद मुनि का जिंदगी है। तो श्रील प्रभुपाद बोलते थे मजाक में कि मेरे भक्तों के जो माता पिता है उन्होंने भी मुझे श्राप दिया है, मैं भी एक जगह पर रुक नहीं सकता। प्रभुपाद के अलग अलग कमरे थे, फर्स्ट क्लास फ्लैट्स बनाया था भक्तों ने सब जगह, पर प्रभुपाद 3-4 दिन से ज्यादा कहीं रुकते ही नहीं थे। और प्रभुपाद का इच्छा था इस्कॉन के सब भक्तों को ऐसा ही बनना चाहिए, प्रचार करते करते घूमते रहो। तो हरिदास ठाकुर ऐसे बुरोन गांव से बेनापोल आते हैं और बेनापोल में एक भजन कुटीर बनाते हैं और वहां पे तुलसी के पौधे के सामने रोज 3,00,000 नाम हरे कृष्ण महामंत्र के, एवरीडे 192 राउंड्स दिन रात करते थे, जब कभी जोर से कभी धीमी आवाज में दिन रात करते थे और कभी भूख लगा तो थोड़ा भिक्षा मांग के जीते थे। तो ऐसा हरिदास ठाकुर का चरित्र था। तो जैसा हम चर्चा कर रहे थे आर्ट ऑफ लिविंग, तो ये तरीका है जीने का, जिंदगी भगवान ने दिया है किसके लिए, हरिनाम। तो थोड़ा बहुत घर का मेंटेनेंस करना है वो सब है, पर हमारा मेन बिजनेस है हरिनाम। श्री प्रभुपाद अपने पिता के बारे में बोलते हैं, श्री प्रभुपाद जब बचपन में थे उनके पिताजी उनका क्लॉथ बिजनेस था, पर उनके पिताजी क्या करते थे सुबह उठते थे 10 बजे तक अपना जप करते थे, भागवतम पढ़ते थे, अर्चन विग्रहों की सेवा करते थे, 10 बजे जाते थे दुकान, 10 से 1 दुकान खोल दिया, फिर से 1 बजे घर में वापस आया, घर में वापस आके थोड़ा रेस्ट लेते थे, फिर से कुछ शास्त्र पढ़ते थे, 4-5 बजे चले गए, फिर से 7 बजे वापस, 7-7.5 बजे वापस, और वापस आके फिर से भागवतम चैतन्य चरितामृत। तो प्रभुपाद लिखते हैं मेरे पिताजी का मेन बिजनेस भक्ति था, एक क्लॉथ बिजनेस साइड बिजनेस था, तो ऐसे बाकी बिजनेस भी करना है पर ये हमारा मेन बिजनेस है भगवान का जप करना। तो हरिदास ठाकुर इतने प्रसिद्ध हो गए कि सब लोग इनका गुणगान करने लगे, इनका जो जो यश है पूरे गांव में फैलने लगा पूरे बंगाल में। तो समय बेनापोल में एक जमींदार रहता था जिसका नाम था रामचंद्र खान, मतलब रामचंद्र खान हिंदू था पर मुस्लिम लोगों ने इसको दीक्षा दिया था, जैसा हमको दीक्षा मिलता ना इसको दीक्षा मिला था रामचंद्र खान। तो ये इसको बहुत ईर्ष्या था वैष्णवों के प्रति, तो इसलिए हरिदास ठाकुर को हरिदास ठाकुर में दोष ढूंढने लगा, पर हरिदास ठाकुर में तो दोष ही नहीं है, तो हरिदास ठाकुर में दोष का कीर्तन करने लगा ये। अरे आप लोग सोच रहे हैं हरिदास ठाकुर महान भक्त हैं, पर हरिदास ठाकुर का ये जगत है पर कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। फाइनली रामचंद्र खान डिसाइड करता है कि हरिदास ठाकुर को उनके जो स्तर है वहां से गिराना पड़ेगा। तो वो जगह के जो सबसे सुंदर वैश्या थी जिसका नाम था हीरा भाई, सबसे सुंदर स्त्री, उसको बुलाते हैं और बोलते हैं कि आप जाके हरिदास ठाकुर के साथ संग कीजिए, और बोलते हैं मैं एक सिपाही को भेजूंगा और रंगे हाथ हरिदास ठाकुर को पकड़ेंगे। तो ये हीरा भाई तैयार हो जाती है,
और बोलती है नहीं आप चिंता मत करो, पहले बार मैं संकल्प पे आऊंगी, जब दूसरे बार जब जाऊंगी तब आप भेजना आपके सिपाही को। तो बेनापोल में तो ये जो जगह है जहाँ भी लीला होती है, ये जगह अभी भी है बेनापोल में बांग्लादेश में। तो अर्धरात्रि के समय ये हीरा बाई पहुंचती है, और जैसा हमने देखा उस समय बेनापोल एक वन था, कोई नहीं था, और हरिदास ठाकुर एक अकेले बैठे थे, सुनसान निर्जन भजन अकेले बैठ के जप कर रहे थे। और ये स्त्री आती है और हरिदास ठाकुर को मोहित करने का प्रयास करती है, पर हरिदास ठाकुर जब वो देखते हैं इस स्त्री को, प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि आप रुकिए मैं आपकी इच्छा को पूरा करूंगा, पर मैंने अभी प्रतिज्ञा लिया है मेरा जप करने का, मेरा एक बार जप हो गया बाद में आपकी इच्छा को पूरा करूंगा। तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि पूरे चरित्र में हम देखेंगे कि कैसे हरिदास ठाकुर ये जो श्लोक है त्रिनादी सुनी चेना उसका पालन करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हरिदास ठाकुर कितने रिस्पेक्टफुल हैं ये वैश्या के प्रति, वो नहीं बोलते निकल जाओ, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। तो ये वैष्णव का लक्षण है, हर एक व्यक्ति को रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। तो हरिदास ठाकुर उनको बोलते हैं यहाँ पे बैठ के रुकिए आप इंतजार कीजिए, मेरा जप होने के बाद मैं आपकी इच्छा को पूरा करूंगा। तो समय एक्चुअली ये जो स्त्री है वो बोलती है तुम्हार संगम लागी लुप्त मोर मन तुम्हार न पाहिले प्राण न जाय धरन। तो बोलती है आपके प्रति मुझे इतना आकर्षण है, अगर आपका संग नहीं मिला तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी, मतलब इतना डिटर्मिनेशन है। तो ये स्त्री बहुत डिटर्मेंट है हरिदास ठाकुर को पतन कराने के लिए, और हरिदास ठाकुर भी बहुत डिटर्मेंट थे ये स्त्री का उद्धार करने के लिए। तो श्री प्रभुपाद वर्णन करते हैं भक्ति में टग ऑफ वॉर है, टग ऑफ वॉर को हिंदी में क्या बोलते हैं, खींचाताई, बॉडी कॉल टग ऑफ वॉर समझ जाते हैं ना, दोनों साइड से खींच रहे हैं। तो भक्ति में हमारा टग ऑफ वॉर चल रहा है, कृष्ण एक तरह से खींच रहे हैं, कृष्ण और भगवान के भक्त एक तरह से खींच रहे हैं, और दूसरे साइड से मायावी खींच रही है। तो ये संघर्ष है भक्तों का, ये संघर्ष है। पर अगर हम बहुत डिटरमिंड है, अगर हमारा निश्चय बहुत स्ट्रांग है तो जीत कृष्ण का ही होगा, हमारा डिटर्मिनेशन के ऊपर है। तो हरिदास ठाकुर बहुत प्रेम से बोलते हैं यही भी रुकिए मेरा जप होने के बाद आपकी इच्छा को पूरा करूंगा। पर हरिदास ठाकुर का जप कभी समाप्ति नहीं होता था, है कि नहीं, 192 राउंड होता टेक्निकली 24 आवर्स, दिन का एक क्वार्टर समाप्त हो गया अगला दिन का शुरू। तो माया से डील करने का ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, भक्ति में बिजी रहो, बी बिजी इन भक्ति, है कि नहीं, माया को पोस्टपोन करो। जनरली हम क्या करते हैं जब माया का प्रपोजल आता है मन में अलग अलग विचार आते हैं, ये करना है वो करना है, हम तुरंत एक्ट करते हैं। पर एक्चुअली हरिदास ठाकुर हमको समझा रहे हैं माया से डील करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पोस्टपोन करो, जस्ट पोस्टपोन। तो जनरली हम उल्टा करते हैं, कृष्ण को पोस्टपोन करते हैं पर माया को तुरंत हाँ बोलते हैं, हमको उल्टा कर रहे हैं। जब भक्ति करने का अवसर आता है तुरंत करना चाहिए। कल हम ये लीला देख रहे थे जब कृष्ण के मित्र जाते हैं ये ब्राह्मणों के पत्नियों के पास कि कृष्ण भूखे हैं उनको प्रसाद चाहिए, ब्राह्मण की पत्नियां सोचते नहीं है, तुरंत सब लेके आते हैं। इसलिए जब भगवान का भक्ति करने का अवसर आता है, सत्संग में आने का अवसर आता है, कीर्तन में भाग लेने का अवसर आता है, सेवा करने का अवसर आता है, हमको तुरंत हाँ बोलने का ये जो एटीट्यूड है, ये जो भाव है वो कल्टिवेट करना है। तो हरिदास ठाकुर उनको बोलते हैं क्या रुकिए, तो रात भर रुकती है ये स्त्री, अपना अलग अलग रूप दिखाती है, पर हरिदास ठाकुर इतने मग्न है भगवान के हरिनाम में, विषयामि वर्तन्ते निराहारस्य श्रीनाम रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। उनको इतना ऊंचा स्वाद मिल रहा है हरिनाम में, इनको ये स्त्री के प्रति आकर्षण ही नहीं है। तो सुबह हो जाता है तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं सॉरी मैं आपकी इच्छा को पूरा नहीं कर पाया, आज रात को आइए। तो स्त्री चली जाती है, जाके रामचंद्र कांड से रिपोर्ट करती है, आज नहीं हुआ कल नहीं हुआ पर आज हो जाएगा। तो फिर से शाम को आती है बहुत आशा के साथ, हरिदास ठाकुर वही चीज बोलते हैं माला बाकी है अभी समाप्ति हो जाएगा आप चिंता मत करो। तो फिर से बैठ जाती है, हरिदास ठाकुर का माला चालू है, माला चालू है, और इतने मग्न होकर कर रहे हैं, और ये स्त्री अपना पूरा प्रयास कर रही है हरिदास ठाकुर को मोहित करने के लिए,
पर हरिनाथ ठाकुर को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, अलग ही दुनिया में प्रवेश कर गए हरिनाथ के दुनिया में, और फिर से वो पूरा रात चला जाता है, फिर से निराश हो जाती है सुबह। तो हरिदास ठाकुर को बोलते हैं आप चिंता मत करो, आज रात को निश्चित रूप से आपका इच्छा का पूर्ति होगा। तो फिर से आती है, जब तीसरे दिन आती है ऑलरेडी उसके हृदय में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, क्योंकि इमेजिन करो हरिदास ठाकुर का संघ, वो भी थोड़े क्षण के लिए नहीं, शास्त्र वर्णन करते हैं साधु संघ साधु संघ सर्वशास्त्र कहे लव मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि हुए, थोड़े क्षण के लिए भी साधु का संघ मिला तो जिंदगी सफल। पर ये स्त्री को दो रात भर हरिदास ठाकुर का संघ, और वो भी हरिदास ठाकुर के मुख से हरिनाम सुन रही है। तो इसलिए जब हम शुद्ध भक्तों के मुख से कथा सुनते हैं भगवान का कीर्तन सुनते हैं उसमें एक अलग ही प्रभाव है। इस गांव में बहुत सारे कीर्तन सिंगर्स हैं पर फिर भी श्री प्रभुपाद का जो आवाज है उसका एक अलग ही एक लेवल है, क्योंकि प्रभुपाद का प्यूरिटी है, प्यूरिटी काउंट्स। तो ये दो दिन हरिदास ठाकुर का संग करने के बाद जब तीसरे दिन आती है ऑलरेडी उसके हृदय में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, आके अभी स्वयं से तुलसी को दंडवत करती है, बैठ जाती है और बैठते बैठते थोड़ा बहुत वो बीच बीच में जप भी करती है, यानी मैं बैठना है थोड़ा जप कर लेते हैं। तो जब सुबह हो रहा था ये जो वैश्या है उसके हृदय में पूरा परिवर्तन, वो हरिदास ठाकुर के चरण में गिर के माफी मांगती है और बोलती है मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, वैश्य होना मुनि पाप करी आचरण अपार, कृपा करी करो मो अदमी निस्तार। तो बोलती है हे हरिदास ठाकुर मैंने इतना पाप किया है उसका गिनती नहीं है, तो कृपा करके मुझ जैसे अदम व्यक्ति का उद्धार कीजिए, मेरा निस्तार कीजिए। उस समय हरिदास ठाकुर इस स्त्री को बोलते हैं मुझे एक्चुअली पता था आप क्यों आई थी, मुझे पता था कि रामचंद्रकांत ने आपको भेजा था, पर मैं इनफैक्ट मैं उसी दिन जब आप आई थी उसी क्षण में निकल के जाने वाला था, पर मैं यहाँ पर रुका रहा सिर्फ आपका उद्धार करने के लिए। तो देखिए ये हरिदास ठाकुर के पास कितना करुणा है, जो स्त्री आ रही है इनको गिराने के लिए ऐसा व्यक्ति का भी उद्धार करने का इच्छा है हरिदास ठाकुर का, तो इतना उदार दिल है उनका। इसलिए बोलते हैं आप अभी क्या करो, आप जाके वापस गाँव में जाओ, जो भी धन आपने कमाया है ब्राह्मणों को बांटो और यही जगह पे आओ और सादा वस्त्र पहन के साड़ी पहन के आप यहीं पे रहो, तुलसी को प्रणाम करो तुलसी को पानी अर्पण करो और जिंदगी भर आप 3 लाख भगवान का जप करना। तो हरिदास ठाकुर ये स्त्री को दीक्षा देते हैं और ये जो स्त्री है हरिदास ठाकुर की इच्छा के अनुसार चलती है, आज्ञा के अनुसार चलती है, सब दम दे देती है, सादा एक साड़ी पहनती है अपने सर का मुंडन कर लेती है और यहाँ पे आके जप करती है एवरी डे 3 लाख राउंड्स 192 राउंड्स। और देखते देखते इसके हृदय में इतना कृष्ण प्रेम का भाव आता है, ये भगवान की बहुत महान भक्त बन जाती है, पूरे बंगाल से वैष्णव जाके ये माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए इनका संग लेने के लिए जाते हैं। तो देखिए है, हरिदास ठाकुर का कितना शक्ति है कि उन्होंने ऐसे स्त्री को भी वैष्णव बना दिया, शुद्ध वैष्णव बना दिया। तो ये जो जगह है बेनापोल में जहाँ पे हरिदास ठाकुर ने स्त्री के हृदय का परिवर्तन किया था, ये जगह अभी भी है, हरिदास ठाकुर का भजन कुटीर है और यहाँ पे ये जो स्त्री है इसके बाद इसका नाम होता है लक्ष्य हीरा, क्योंकि आज अब से वो रोज लाखों नाम जप करती है, तो लक्ष्य हीरा का भी समाधि है भजन कुटीर है। तो ऐसा हरिदास ठाकुर, तो बेसिकली रामचंद्रकांत ने यह सब क्यों किया था, हरिदास ठाकुर के यश को घटाने के लिए, हरिदास ठाकुर के नाम को खराब करने के लिए उसने इतना बड़ा प्लानिंग किया, पर एंड में क्या हो गया इसके बाद हरिदास ठाकुर का यश और फैल गया। इसलिए हैं जो अभक्त हैं जो असुर हैं उनको लगता है कि वो लोग बहुत बुद्धिमान हैं अपने प्लानिंग करते हैं, पर भक्त अपने लिए प्लानिंग नहीं करते। जैसे अम्बरीश महाराज जब दुर्वासा मुनि आके अम्बरीश महाराज करके अपराध करते हैं, अम्बरीश महाराज कुछ करते नहीं है पर विष्णु को बुरा लगता है और विष्णु दुर्वासा मुनि के पीछे अपना चक्र भेजता है। तो भक्त स्वयं की रक्षा भी नहीं करते, स्वयं के मान सम्मान को बचाने के भी प्रयास नहीं करते, पर भगवान देखते हैं कि भक्तों के मान सम्मान को बचाने के लिए पर भक्तों को और यश देने के लिए। तो इस तरह से हरिदास ठाकुर का यश और फैल गया। तो हरिदास ठाकुर के चरित्र से हम ये देखते हैं जब भी उनके मार्ग में कुछ बाधाएं आई थी तो जब हम हरिनाम करते हैं
ऐसा नहीं कि हमारे मार्ग में बाधाएं नहीं आएंगी। तो ये जो श्लोक मैंने गीता का बता रहा था, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा करेवरम, उसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद बताते हैं भक्तों के मार्ग में बाधाएं आएगी, बट अ डिवोटी मीन्स टॉलरेटिंग ऑल इंपेडिमेंट्स, ही कंटिन्यूज टू चैंट। हरेक विपदा को सहन करते हुए भक्त अपना जप और कीर्तन करता रहता है, घटाता नहीं है। तो जब हम ऐसा करेंगे, जब अड़चनों के साथ रहते हुए हम भक्ति कम नहीं करेंगे, तब क्या होगा, अगला लेवल पे जाएंगे। जैसा स्कूल में होता ना एग्जाम होता है, जब आप फाइनल एग्जाम को पास करते हो नेक्स्ट स्टैंडर्ड में प्रमोशन होता है। तो ऐसे ही भगवान अपने भक्तों की जिंदगी में ऐसे टेस्ट भेजते हैं, जब हम टेस्ट को पास करते हैं तब क्या होता है, वी आर प्रमोटेड टू द नेक्स्ट लेवल। तो हरिदास ठाकुर का यश और बढ़ने लगा। पर वर्णन आता है रामचंद्र कांत, क्योंकि उसने हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध किया, उसका पतन हो गया। तो चैतन्य चरितामृत का वर्णन है कि रामचंद्र कांत ने पहले हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध किया, क्योंकि उसने हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध किया, अगला अपराध वो नित्यानंद प्रभु के प्रति करता है। तो ऐसा अपराध का जो श्रृंखला है वो शुरू होता है, पहले वैष्णवों के प्रति अपराध करते हैं, बाद में गुरु के प्रति अपराध करते हैं, बाद में भगवान के प्रति अपराध करते हैं, बाद में पतन ही होता है। तो रामचंद्र कांत जब एक बार नित्यानंद प्रभु आए थे बंगाल में अपने पार्षदों के साथ प्रचार करते हुए, वो यही गांव में आते हैं बेनापोल, और बेनापोल में रामचंद्र कांत क्योंकि बहुत बड़ा जमींदार था, उसके घर के बाहर उस समय बंगाल में एक दुर्गा मंडप होता था, छोटा सा एक बरामदा जैसा, जहाँ पे लोग दुर्गा जी की पूजा करते थे। तो नित्यानंद प्रभु अपने भक्तों के साथ वो दुर्गा मंडप में चले गए, पर रामचंद्र कांत को इतना ईर्ष्या है, वो अपने एक सेवक को भेजता है और बोलता है नित्यानंद प्रभु को जाके बोलो यहाँ से निकलने के लिए। इमेजिन करो आपके घर में बिना बुलाए बलराम जी आए हैं, मतलब रामचंद्र कांत ने कुछ बुलाया भी नहीं, इन्विटेशन भी नहीं दिया, बिना इन्विटेशन भाग्य आया है। पर यह भाग्य का जो अवसर है इसको स्वीकार नहीं कर पाया। तो कल हम ये ब्राह्मण की लीला में देख रहे थे, कृष्णा बलराम अपने दोस्तों को भेजते हैं ब्राह्मणों के पास कि हम भूखे हैं, हमको कुछ प्रसाद दीजिए। भगवान को थोड़ी किसी चीज की जरूरत है, पर भगवान क्यों भेज रहे हैं, ये ब्राह्मणों को अवसर देने के लिए। भगवान गए स्वयं ये ब्राह्मणों को अवसर देने के लिए, पर ये ब्राह्मण अवसर का लाभ नहीं ले पाए। तो वैसे ही रामचंद्र कांत नित्यानंद प्रभु का जो महत्व उसको समझ में नहीं आया, बल्कि नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध करता है, और नित्यानंद प्रभु हंस हंस के जाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु बताते हैं सत्य करे एक बोल योग्य नाही, ब्लेच गोवध करे तारा तार योग्य रहे। तो नित्यानंद प्रभु हंस हंस के वहां से निकल जाते हैं, सही क्या इसने, ये घर मेरे योग्य नहीं है, ये घर किसके योग्य है, गो हत्या के योग्य है, और जो यवन है वो आने के लिए वो रहने का योग्य स्थली है, और नित्यानंद प्रभु गुस्से से चले जाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, रामचंद्र कांत क्योंकि एक जमींदार था, मुस्लिम गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्ट करता था, थोड़ा घपला भी करता था, तो उन लोग मिनिस्टर को पता चल गया ये घपला कर रहा है। तो ये मुस्लिम मिनिस्टर्स आते हैं रामचंद्र कांत के घर में, रामचंद्र कांत उसकी बीवी उसके बच्चों को पकड़ के जेल में डालते हैं, और वही दुर्गा मंडप में गाय को काट के मांस 3 दिन तक खाते हैं, और पूरे गाँव को नाश कर देते हैं, पूरे गांव को मिटा देते हैं। तो ये रिजल्ट है वैष्णवों के प्रति अपराध करने का। महंतेर अपमान ये देश ग्रामे होय, एक जनर दोष सब देश उजड़य। तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास रविदास गोस्वामी वार्निंग दे रहे हैं, जिस गांव में जिस देश में महान भक्तों के प्रति अपराध होता है, एक व्यक्ति अपराध करेगा पर उसका जो रिजल्ट है पूरे गांव को मिलता है। तो पूरे गांव का नाश हो गया रामचंद्र कांत के एक अपराध की वजह से। तो ऐसे हरिदास ठाकुर बुरौन गांव से बेनापोल आते हैं, और बेनापोल से क्योंकि अभी भजन कुटीर कर रहे थे, वो भजन कुटीर में जप कर रहे थे, पर ये जब स्त्री आती है लक्ष्यीरा, वो अपना भजन कुटीर स्त्री को लेके हरिदास ठाकुर निकल जाते हैं, आगे भगवान का जो प्लान है निकल जाते हैं। तो ऐसा प्रचार करते करते वो फुलिया गांव में आते हैं, तो फुलिया नवदीप के पास ही मायापुर के पास एक जगह है, वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे गुफे में रहते हैं। और एक बार ये कहानी आती है कि वही गुफे में एक बहुत विषैली सर्प रहता था, वेरी पॉइजनस थिंग, और इतना विषैली था वो पूरे गुफे में
इसका जो विष का दुर्गंध था वो आता था, तो भक्त आते थे हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए, पर उनको डर लगता था, अरे ये सर्प आके हमको डसेगा। तो हरिदास ठाकुर एक्चुअली उनको डर नहीं था, क्योंकि हरिदास ठाकुर भगवान के भक्त हैं, उनको पता है भगवान मेरे हृदय में भी है, ये सर्प के हृदय में भी है, तो ये जो सर्प है मेरा गॉड ब्रदर है, हम दोनों शेयर करते हैं एक कमरे को, एडजस्ट करके रहते थे। तो भगवान के जो भक्त हैं भगवान मदद करते हैं, तो भगवान ये सर्प को भी प्रेरणा दे रहे थे हरिदास ठाकुर को सम्मान करो, पर क्योंकि हरिदास ठाकुर को लग रहा था अरे बाकी भक्तों को त्रास हो रहा है, बाकी भक्तों को कष्ट हो रहा है, हरिदास ठाकुर ये सर्प को बोलते हैं देखो इधर आप रहो या मैं रहता हूँ, आप निकल जाओ नहीं तो मैं निकल जाता हूँ। उसी समय ही सबके सामने, सब भक्तों के सामने ये सर्प वो गुफा छोड़ के जाता है और फिर से कभी ये गुफा में आता ही नहीं है। तो ये फुलिया के बिल्कुल पास शांतिपुर है जहाँ पे अद्वैत आचार्य का घर है। तो जब हरिदास ठाकुर फुलिया आते हैं बहुत बार वो अद्वैत आचार्य से मिलने के लिए जाते हैं, अद्वैत आचार्य आते हैं फुलिया या हरिदास ठाकुर जाते हैं शांतिपुर, और दोनों इतने प्रेम से भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं। तो ये भक्त का संघ है, ऐसा नहीं कि भक्तों का संघ मतलब हजार भक्त चाहिए, सौ भक्त चाहिए, भक्तों का संघ दो भक्त से भी हो सकता है, अगर निकट के संबंध है टू डिवोटीज आर ऑल्सो इनफ। श्रीला प्रभुपाद इनफैक्ट एक बार यमुना माता जी जो उनके वरिष्ठ शिष्य है, प्रभुपाद उनका एक लेटर लिखते हैं, तो प्रभुपाद यमुना माता जी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो और एक माता जी भी, प्रभुपाद उनको बोलते हैं आप दोनों भक्ति कीजिए। तो यमुना माता जी को लग रहा था अरे हम तो इस्कॉन सेंटर में नहीं रहते हैं, हम दोनों अलग रहते हैं, भक्ति कैसा होगा। तो प्रभुपाद उसमें बोलते हैं एसोसिएशन कैन मीन 100, एसोसिएशन कैन मीन 2, बट इफ यू आर लव फॉर ईच अदर एंड द फोकस इज कृष्णा यू आर वेरी हैप्पी। और ये दोनों माता जी जिंदगी भर साथ में रहते हैं, भक्ति करते हैं बहुत प्रेम से। तो अद्वैत आचार्य और जब हरिदास ठाकुर साथ में आते हैं इतने प्रेम से भगवान का भक्ति करते हैं, रोते हैं, नाचते हैं, कीर्तन करते हैं, और इनफैक्ट वर्णन आता है कि हरिदास ठाकुर और अद्वैत आचार्य के प्रार्थना से चैतन्य महाप्रभु का आगमन होता है, इतने जोर जोर से पुकारते हैं। तो हरिदास ठाकुर जब गंगा के तट पे चलते थे, अकेले जप करते थे, कीर्तन करते थे, और उनके शरीर में इतने प्रेम के लक्षण थे, चैतन्य चैतन्य में वर्णन है ब्रह्मा जी शिव जी भी हैरान होते थे, इतने प्रेम के लक्षण कैसा हो सकता है किसी के शरीर में। तो यही समय पे एक बार फुलिया में अद्वैत आचार्य अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, और अद्वैत आचार्य क्योंकि ब्राह्मण कुल के थे और ब्राह्मणों के लीडर थे, ब्राह्मण कम्युनिटी के लीडर, तो जनरली जब कोई श्राद्ध करता है पहला जो भोजन है सबसे उच्च कोटि ब्राह्मण को दिया जाता है, द हाइएस्ट ब्राह्मणा जिसका हाइएस्ट क्वालिफिकेशन है। अद्वैत आचार्य क्या करते हैं, ये जो पहला भोजन है श्राद्ध का जो पात्र है हरिदास ठाकुर को देते हैं। तो अद्वैत आचार्य का ये विश्वास था जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, जिसके मुख से कंटिन्यूस भगवान का नाम आ रहा है, उसका जो स्तर है ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, ये सुपीरियर टू दी ब्राह्मणा। तो इस तरह से अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर को सम्मान करते हैं, इतना प्रेम था अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर के पीछे। तो यही फुलिया ग्राम में है, क्योंकि हरिदास ठाकुर दिन रात प्रचार करते थे, जोर जोर से कीर्तन करते थे, तो वहां के जो मुस्लिम गवर्नमेंट है वो लोग थोड़ा इनसिक्योर हो गए, क्योंकि उनको लगने लगा हरिदास ठाकुर तो मुस्लिम है तो वो वैष्णव बन गया, हिंदू बन गया, तो अगर ऐसा चलेगा बाकी मुस्लिम भी हिंदू बन जाएंगे। तो इसलिए वो क्या करता है, वहां का जो काजी है उसके सुपीरियर एक मुलुकपति है, उसको जाके कंप्लेंट करते हैं कि हरिदास ठाकुर को दंड देना चाहिए, ये रॉन्ग एग्जाम्पल है, इसके चलते चलते बाकी मुस्लिम भी हिंदू बनेंगे। तो हरिदास ठाकुर को लेके आते हैं मुलुकपति उनके पास, और हरिदास ठाकुर को पूछते हैं कि आप हरिनाम का जप क्यों करते हो। हरिदास ठाकुर बोलते हैं मुझे आकर्षण है कृष्ण के प्रति, मैं जप करता हूँ। हरिदास ठाकुर को ये जेल में डाल देते हैं, कैदगार में डाल देते हैं, पर वर्णन आता है हरिदास ठाकुर जेल में भी बहुत फियरलेसली जप करते हैं, प्रचार करते हैं, जेल में भी प्रचार शुरू करते हैं। हरिदास ठाकुर की महात्मा था, जेल में भी प्रचार कर रहे हैं, और वहां के मुलुकपति को लगता है ये तो जेल के बाहर अंदर है बाहर है दोनों प्रॉब्लम है, जहां भी रहेगा प्रचार करता रहेगा, इसलिए वापस हरिदास ठाकुर को जेल से बाहर निकालते हैं। तो ये हरिदास ठाकुर का निडरता था,
इतने फियरलेस है कि वो कठिन परिस्थिति में भी ही डजंट गेट डिस्टर्ब, उनको भय नहीं लगता। जैसे हमने शुरुआत में बताया हरिदास ठाकुर किसके अवतार है, ब्रह्मा जी के अवतार है और प्रहलाद महाराज के अवतार है। अभी थोड़े दिन में नरसिंह चतुर्दशी आ रहा है, हम देखते हैं प्रहलाद महाराज का क्या दृढ़ता था, क्या विश्वास था, क्या फियरलेसनेस था उनको। वो हिरण्यकशिपु के जगह पर रहते हुए भगवान की भक्ति कर रहे थे, अकेले भक्त, और हिरण्यकशिपु इतना प्रयास करता था कि आप भक्ति छोड़ दो आपको बख्श देंगे, और प्रहलाद महाराज होते हैं आप कुछ भी करो मेरा भक्ति चलता रहे। कंप्लीटली फियरलेस, बजाओ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारे, जो भगवान का आश्रय लेता है ऑटोमेटिकली फियरलेस होता है। तो इस तरह से हरिदास ठाकुर इस जेल में जाके, जेल में जो कैदी है उनका हृदय का परिवर्तन करते हैं। इनफैक्ट चैतन्य चरितामृत का वर्णन आता है जब हरिदास ठाकुर ये जेल में प्रवेश करते हैं उनका तेज इतना था, उनका सुंदरता इतना था, उनका शुद्धता इतना था, जो जेल के जो सदस्य हैं इतने प्रभावित होते हैं हरिदास ठाकुर के प्रति, दंडवत करते हैं, प्रार्थना अर्पण करते हैं और बोलते हैं आप कृपा कीजिए हम पे। उस समय हरिदास ठाकुर इनको आशीर्वाद देते हैं, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, स्टे एज यू आर। तो जेल के जो सदस्य हैं कैदी हैं वो सोच रहे हैं ये कैसा आशीर्वाद है, हमको लगा ये आशीर्वाद देंगे कि जेल से जल्दी छुटकारा मिलेगा, पर ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि जेल में ही रहो। पर हरिदास ठाकुर का आशीर्वाद क्या था कि समय के साथ साथ आप जेल से छुटेंगे, पर ये जो भाव है आपका अभी नम्रता से भक्तों का आश्रय ले रहे हैं, भक्तों की कृपा का याचना कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या होगा जेल से जब बाहर आएंगे ये भाव चला जाएगा। भागवतम के तीसरे स्तंभ में वर्णन आता है जो शिशु है जब माँ के गर्भ में रहता है, माँ का गर्भ एक जेल की तरह है, फंसा रहता है, तो शिशु प्रार्थना करता है भगवान से, भगवान ये स्थान से मुझे निकाल दो, निकलने के बाद मैं आपका भक्ति करूंगा या करूंगी। और जब बाहर आता है भक्ति करना भूल जाता है, इसलिए हरिदास ठाकुर उनको बोल रहे हैं आपको लग रहा है कि आप कठिन परिस्थिति में हो, पर मेरे हिसाब से आपका जो मनस्थिति है ये परफेक्ट है भक्ति करने के लिए, मेरा डर है आप लोग यहाँ से बाहर आओगे आपका भक्ति चला जाएगा। हरिदास ठाकुर का ये आशीर्वाद है आपका ये जो भाव है नम्रता का जो भाव है ये हमेशा बना रहे। तो ऐसे है जब हरिदास ठाकुर को वापस जेल से बाहर निकालते हैं, गुरुपति हरिदास ठाकुर को पूछता है अरे आप हिंदू भगवान के नाम का जप क्यों करते हो, आपका जन्म तो इतने बड़े भाग्यशाली पुण्यवान मुस्लिम परिवार में हुआ है, आपको तो अल्लाह का नाम का जप करना चाहिए, आपको तो अजाम पढ़ना चाहिए, जो भी कुरान पढ़ना चाहिए, आप ये क्या कर रहे हो कृष्ण का नाम ले रहे हो। तो हरिदास ठाकुर देखो उनका कितना दृढ़ता था, हरिदास ठाकुर जोर जोर से हंसते हैं और बोलते हैं ये देखो माया की शक्ति, भगवान की माया कितनी अद्भुत है, वही जो भगवान है उनके अलग अलग नाम है, कोई भगवान को अल्लाह पुकारता है, कोई कृष्ण पुकारता है, बहुत सारे हिंदू है वो मुस्लिम बनते हैं, आपको उसमें तो एतराज नहीं, एक मुस्लिम हिंदू बन गया आपको प्रॉब्लम क्या है, मुझे प्रेम है कृष्ण के नाम के प्रति, ये जो कृष्ण का नाम है मैं उसका उच्चारण कभी बंद नहीं कर सकता। उस समय हरिदास ठाकुर ये बहुत फेमस श्लोक बोलते हैं जो कहता है भागवत में आता है, कंठ कंठ होई देव याय यदि प्राण तबु आमी बदने न जारी हरिनाम। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं आप कुछ भी करो मेरे शरीर का हजार भाग करो, मेरा प्राण भी चला जाएगा फिर भी मेरे मुख से हरिनाम नहीं जाएगा। तो यह हरिदास ठाकुर का दृढ़ विश्वास था। तो ये लेवल हमको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, इट्स कम्प्लीटली अ डिफरेंट लेवल, पर हमको प्रयास करना है। हमारे जिंदगी में इतना बड़ा कष्ट भी पता तो नहीं आने वाला है, पर जो भी कष्ट आता है उसके बावजूद हरिनाम करते रहना है, नहीं तो क्या होता है छोटा छोटा कष्ट आता है हरिनाम छोड़ देते हैं, एक्सक्यूज देते हैं। पर हरिदास ठाकुर यहाँ पर बोल रहे हैं कुछ भी हो जाए मेरे मुख से हरिनाम नहीं छूटेगा। तो मुलुकपति काजी को पूछता है क्या करे, तो काजी बोलता है इसको तो दंड देना ही चाहिए। कौन सा दंड, काजी बोलता है इनको 22 मार्केट प्लेस में पीटना चाहिए, 22 मार्केट प्लेस में, वो भी सबके सामने, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए ये हाल होता है अगर कोई मुस्लिम कृष्ण का नाम लेता है, कोई आगे मुस्लिम का ये हिम्मत नहीं होना चाहिए भगवान का नाम लेने की, सबके सामने मारो 22 मार्केट प्लेस में। तो उसका ये भाव था कि जनरली रिकॉर्ड था स्टैटिस्टिक्स
दो मार्केट प्लेस में किसी को पीटा तो उसका मृत्यु होता था। तो उसका लगा 22 मार्केट प्लेस में बच गया हरिदास, तो हम स्वीकार करेंगे कि ये संत है, फकीर है। तो इसको लेके जाते हैं बहुत बड़े बड़े पहलवान घसीट घसीट के मार्केट प्लेस में, एक मार्केट प्लेस दूसरा बाजार, ऐसे 22 मार्केट प्लेस में हरिदास ठाकुर को चाबुक से मारते हैं। पर हरिदास ठाकुर को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, उनके मुख से कंटिन्यूस हरिनाम, उनके मुख में जो मुस्कान है, जो हंसी है, जो प्रेम के लक्षण है, वो अभी भी है, उनको कुछ फर्क ही नहीं है, हरिनाम कर रहे हैं कंटिन्यूसली, उनके मुख से हरिनाम कर रहे हैं। और वहां के जो लोग हैं जो देखते हैं हरिदास ठाकुर का प्रति ये अपराध हो रहा है, उनके हृदय में दर्द होता है, वो आके ये लोगों को बोलते हैं आप हरिदास ठाकुर को छोड़ दो, हमको मारो, हमको लेके जाओ, हरिदास को छोड़ दो, कितना प्रेम था उनका हरिदास के प्रति, फिर भी ये छोड़ते नहीं है। तो हरिदास ठाकुर को जो 22 मार्केट प्लेस में मारते हैं, फिर भी हरिदास को कुछ होता ही नहीं है। उस समय ये जो पहलवान थे जो हरिदास ठाकुर को मार रहे थे, जो जल्लाद थे, वो हरिदास ठाकुर को बोलते हैं हरिदास आप नहीं मरेंगे तो काजी हमको मार देगा। तो हरिदास को लगता है अरे ऐसा है, तो हरिदास ठाकुर समाधि में बैठ जाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है उनके शरीर से प्राण निकल गया। तो हरिदास को इतना दया है, इतना करुणा है, जो व्यक्ति उनको मार रहे हैं, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सरिष्णा, सहन करने के लिए तैयार है, जो उनको अपराध करते हैं वो भी सहन करने के लिए तैयार, और सहन करना एक लेवल है, दूसरा लेवल है माफ करना। यहाँ पर हरिदास ठाकुर माफ भी नहीं करते हैं, उनके प्रति कृपा भी दिखाते हैं, ये हरिदास ठाकुर की महानता है। इनफैक्ट आगे जाके जब महाप्रकाश लीला में जब चैतन्य महाप्रभु श्रीवास सागर में हर भक्तों की इच्छा को पूरा करते हैं, उस समय हरिदास ठाकुर को बुला के महाप्रभु बताते हैं आपको पता है जब आपको ये 22 मार्केट प्लेस में पीटा गया, मैंने एक्चुअली सुदर्शन भेजा था इन जल्लादों को मारने के लिए, पर आपका करुणा इतना शक्तिशाली था मेरा सुदर्शन भी काम में नहीं आया। तो हरिदास ठाकुर प्रार्थना कर रहे थे भगवान से, भगवान इनको माफ कीजिए। तो इनके माफी का जो शक्ति है, करुणा का शक्ति इतना था, सुदर्शन भी काम नहीं कर सका। और उस समय चैतन्य महाप्रभु उनका पीठ दिखाते हैं, वो जो चाबू के निशान थे चैतन्य महाप्रभु के पीठ में थे, और भगवान हरिदास ठाकुर बोलते हैं मैंने आपका शरीर मेरे शरीर से ढका था, और पूरा जो चाबू का निशान है मैंने अपने शरीर पर लिया था। तो इतना प्रेम था चैतन्य महाप्रभु को हरिदास के प्रति, क्योंकि हरिदास ठाकुर भगवान के अनन्य भक्त थे, कंटिन्यूअसली भगवान का कीर्तन करते थे। तो हरिदास ठाकुर ऐसा लगता है कि मर गए, समाधि में चले गए, तो इनके शरीर को लेके आते हैं मुलुकपति के पास, क्या करें? तो मुलुकपति बोलता है इनको दफना देंगे, तो गाजी बोलता है नहीं, दफना देंगे तो इनको जन्नत मिलेगा, तो क्या करना चाहिए? गंगा में बहा दो। तो हरिदास के शरीर को गंगा में बहा देते हैं। तो बहते बहते हरिदास ठाकुर को वापस उनका जो होश है, उनका जो चेतना है वापस आता है, स्विम करते करते वापस आते हैं वही फुलिया ग्राम में, वही मुलुकपति के पास। और जब मुलुकपति और काजी देखते हैं, उनको समझ में आता है कि हरिदास ठाकुर साधारण व्यक्ति नहीं, उनके पैर पे गिरते हैं, माफी मांगते हैं, और हरिदास ठाकुर बोलते हैं आपको जिस भगवान का नाम लेना है उस भगवान का नाम ले लो, जहां पे भी कीर्तन करना है वहां पे कीर्तन करो, नो प्रॉब्लम। तो ये कब आएगा? जब हम भगवान के प्रति शरणागति दिखाएंगे। कल हम यही लीला में देख रहे थे जब ब्राह्मण की पत्नियां सब छोड़ के जब वो कृष्ण के पास जा रहे थे, घर का जो सामग्री है, जो खाना है सब लेके, उनके पति ने, उनके जो पुत्र हैं, उनके जो भाई है सब रोकते हैं और बोलते हैं कि आप जाओगे तो वापस नहीं, और उनको पता नहीं कि वहां पे कृष्ण स्वीकार करेंगे कि नहीं। तो बोलते हैं ठीक है हम जाएंगे, जो भी होगा देखा जाएगा, भाग के निकलते हैं, जो भी बाधा है सबको लांघ के निकलते हैं। गंगे मोगम उदन होती, जैसा गंगा बहती है सागर के पास वैसा भाग जाते हैं कृष्ण कृष्ण के लिए। और जब कृष्ण देखते हैं उनको, कृष्ण को बोलते हैं आप वापस घर चले जाओ, और ये पत्नियां बोलते हैं ब्राह्मणी जो पत्नियां हैं हमको कौन स्वीकार करेगा अभी घर में? भगवान बोलते हैं नहीं स्वीकार करेंगे, आपको सम्मान के साथ स्वीकार करेंगे, क्योंकि इन्होंने शरणागति सिखाया भगवान के प्रति। तो वैसे ही हरिदास ठाकुर जो मुलुकपति और काजी हरिदास ठाकुर बोल रहे थे आप कीर्तन जब छोड़ दो, वही मुलुकपति के हृदय में इतना परिवर्तन होता है, बोलते आप कीर्तन करते रहो। क्यों होता है? क्योंकि हरिदास ठाकुर ने ये टेस्ट को पास किया, उन्होंने भगवान का हरिनाम का जब कभी उन्होंने छोड़ा नहीं। तो ऐसे करते करते हरिदास ठाकुर बंगाल में अपना जिंदगी बिताते हैं, अपना समय बिताते हैं, कीर्तन करते करते जब करते करते
और उसी समय जैसे एक वो वैश्य आई थी हरिदास ठाकुर को मोहित करने के लिए, एक बार माया देवी स्वयं आती है। माया देवी जिनके थोड़े झलक से हम इतने प्रभावित होते हैं, माया देवी अपनी पूरी शक्ति के साथ हरिदास ठाकुर के पास आती है। तारा अंग कांति स्तन पीत वर्ण हरिद, और उस समय इतना फर्स्ट क्लास ट्वाइलाइट इवनिंग का एटमोसफेयर रहता है, इतना रोमांटिक एटमोसफेयर रहता है। और फिर से एकांत में हरिदास ठाकुर के पास आती है और हरिदास ठाकुर को बोलती है मुझे आपका संग करना है। और हरिदास ठाकुर को वही फॉर्मूला, जो भी प्रॉब्लम आए हमारा फॉर्मूला एक ही, फॉर्मूला क्या है माला, ठीक है, ये हमारा एक ही फॉर्मूला है। तो हरिदास ठाकुर वही चीज उनको बोलते हैं मेरा अभी जब समाप्त नहीं हुआ है, आप यहाँ पे बैठो, मेरा जब समाप्त होने के बाद आपकी इच्छा को मैं पूरा करूंगा। तो ऐसे ही तीन दिन निकल जाता है हरिदास ठाकुर का जब चलता रहता है। और ये सब होने के बाद ये जो माया देवी है हरिदास ठाकुर के चरण कमल का आश्रय लेती है और बोलती है मैं एक्चुअली माया देवी हूँ, दुर्गा देवी हूँ, मैंने शिव जी को भी मोहित कर दिया, ब्रह्मा जी को भी मोहित कर दिया, पर आपको मैं मोहित नहीं कर पाई। ब्रह्मा जी जीव आमी सबारे मोहित हूँ, एक न तुम्हारे आमी मोहित दे मरी हूँ। मैंने सबको मोहित कर दिया पर सिर्फ आप एक व्यक्ति थे जिनको मैं मोहित नहीं कर पाई। और उस समय बोलती है हरिदास ठाकुर को मेरे पति ने शिव जी ने मुझे दीक्षा दिया है राम के नाम का, राम नाम का जप का दीक्षा दिया उन्होंने, और भगवान राम का नाम मुक्ति देता है पर सिर्फ कृष्ण का नाम प्रेम देता है। मुझे राम के नाम का दीक्षा मिला है पर मुझे कृष्ण के नाम का दीक्षा आपसे चाहिए। मुक्ति हेतु का तारक हर राम नाम, कृष्ण नाम प्रकर मन करे प्रेम धाम। तो बोलती है आप मुझे दान दीजिए कृष्ण नाम का। इस तरह से हरिदास ठाकुर माया देवी को दीक्षा देते हैं, माया देवी के गुरु बन जाते हैं। और ऐसे चलते चलते हरिदास ठाकुर एक बार नवद्वीप से जगन्नाथपुरी आते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास स्वीकार करके जगन्नाथपुरी आते हैं। और हर साल बंगाल से जो वैष्णव है चल के आते थे जगन्नाथपुरी, एवरी ईयर हिमाचल में बंगाल से जगन्नाथपुरी आना मतलब महीने लगते थे चल के जाने के, हर साल आते थे। और यात्रा एक दो दिन का यात्रा नहीं, चार महीने का यात्रा, चार महीना रहते थे जगन्नाथपुरी में और फिर से जाते थे, मतलब छह महीना अपना घर संभालते थे बाकी चार महीना यात्रा में। अच्छा देखा ना। तो एक बार हरिदास ठाकुर इन सब भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी आते हैं। तो जब जगन्नाथपुरी आते हैं हरिदास ठाकुर का इतना नम्रता था वो चैतन्य महाप्रभु के पास भी नहीं जाते, बहुत दूर से ही तद्वत करते हैं। और उस समय एक भक्त जाके चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं देखो हरिदास दूर से तद्वत करें, और चैतन्य महाप्रभु हरिदास को बोलते हैं आप आइए मेरे निकट, हरिदास ठाकुर उनके निकट भी नहीं जाते। उस समय हरिदास ठाकुर बोलते हैं मुझे एक छोटा सा बगीचा दीजिए आपके पास, वहां पे बैठ के मैं जप करूंगा। हरिदास ठाकुर जब जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं, बहुत साल रहते हैं जगन्नाथपुरी में, एक भी बार जगन्नाथ मंदिर के अंदर जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए नहीं गए, एंड कंप्लीटली सैटिस्फाइड। ऐसे नहीं कि उन्होंने कंप्लेन किया मैनेजमेंट को कि क्या है मुझे एंट्री नहीं मिल रहा है, प्रयास भी नहीं किया अंदर जाने का, सैटिस्फाइड, जो भी भगवान ने इच्छा है वो स्वीकार करने के लिए तैयार। तो हम कल देख रहे थे गदाधर पंडित की जिंदगी में, गदाधर पंडित कौन है, श्रीमती राधा रानी है जो चैतन्य लीला में गदाधर पंडित के रूप में आते हैं। गदाधर पंडित उनकी पूरी जिंदगी में एक भी बार वृंदावन नहीं जाते, वृंदावन क्योंकि भगवान का जो इच्छा है वो स्वीकार करते हैं। तो हरिदास ठाकुर एक भी बार जगन्नाथ मंदिर के अंदर नहीं जाते क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं इतने तुच्छ परिवार में मेरा जन्म हुआ है, मुस्लिम परिवार जवान परिवार, मेरा योग्यता नहीं है जगन्नाथ के पांडवों के पास जाने के लिए, इतने नम्र थे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु पर्सनली हरिदास ठाकुर के लिए एक जगह अरेंज करते हैं सिद्ध गुरु। चैतन्य महाप्रभु राजा के जो प्रीस्ट हैं काशी विश्वनाथ से बात करके उनके चैतन्य महाप्रभु का जो निवास स्थली है गंभीरा उसके बिल्कुल पास एक बगीचा है, बहुत शांत बगीचा है सिद्ध गुरु, वहां पर हरिदास ठाकुर रहते हैं। और ये बगीचे की खासियत था वहां से उनको चक्र दिखता था जगन्नाथ के, और वो चक्र देखते हुए हरिदास ठाकुर जप करते थे। और चैतन्य महाप्रभु जो वही जगन्नाथ है रोज आते थे हरिदास ठाकुर को मिलने के लिए, हरिदास ठाकुर नहीं जाते थे जगन्नाथ का दर्शन, हरिदास ठाकुर अपना प्रसाद पाने का भी प्रयास नहीं करते थे, कुछ प्लानिंग नहीं आज का प्रसाद कहाँ मिलेगा। पर चैतन्य महाप्रभु इतने कंसर्न थे रोज आते थे जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए, और जगन्नाथ के दर्शन करके प्रसाद लेके पर्सनली आते थे हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए।
और हरिदास ठाकुर को प्रसाद देते थे और एक दो घंटा रोज हरिदास ठाकुर के साथ बिताते थे। तो इतना प्रेम था चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के प्रति, इतना बड़ा स्तर है हरिदास ठाकुर का। तो हरिदास ठाकुर ऐसे जगन्नाथपुरी में वैसे ही उनका 192 रोज डेली कंटिन्यूसली चलता रहता है। और ये भी निराती है, एक बार चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं सिद्ध बकुल, उस समय ये बकुल वृक्ष नहीं था, तो चैतन्य महाप्रभु एक दातून लेके आते हैं। अगर कोई आप लोग गए जगन्नाथ मंदिर में, सुबह भगवान को ब्रश करने के लिए एक दातून देते हैं, तो वो दातून महाप्रसाद लेके आते हैं और चैतन्य महाप्रभु वो मिट्टी में डालते हैं, तुरंत सबके सामने एक बकुल का वृक्ष आता है और हरिदास ठाकुर को छाया देते हैं। तो भगवान ये सब अरेंजमेंट कर रहे हैं, हरिदास ठाकुर अपने जब में लगे हैं, अपने प्रसाद के बारे में चिंता नहीं, रहने का चिंता नहीं, छाया का चिंता नहीं, भगवान अरेंजमेंट कर रहे हैं हरिदास ठाकुर के लिए। तो ऐसे करते करते काफी साल जगन्नाथपुरी में बिताते हैं। तो बहुत बार जब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जब जगन्नाथपुरी आते थे, हरिदास ठाकुर के साथ रहते थे। और हरिदास ठाकुर, जैसे मैंने बताया, उनका उम्र क्या है, चैतन्य महाप्रभु से 35 ईयर्स सीनियर। और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कौन है, हरिदास ठाकुर के लिए बहुत जूनियर डिवोटी है। इनफैक्ट रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के पास लेके जाते हैं, हरिदास ठाकुर और नित्यानंद। एक तरह से वो उनके पद प्रदर्शित गुरु हैं, फिर भी हरिदास ठाकुर रूप और सनातन को इतना सम्मान देते हैं, वेरी रिस्पेक्टफुल। तो हरिदास ठाकुर की स्वाभाविक नम्रता था। तो एक बार ये वर्णन आता है, चैतन्य महाप्रभु आते हैं सिद्ध बकुल में और हरिदास ठाकुर को पूछते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वैष्णव बन गए, पर अभी भी बहुत सारे जीवात्मा हैं जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, हरिनाम का उच्चारण नहीं कर रहे, इनका उद्धार कैसे होगा। तो ये प्रश्न के उत्तर में हरिदास ठाकुर हरिनाम का महिमा का वर्णन करते हैं और वो हरिनाम चिंतामणि का विषय है। तो ऐसे जब साल बीतते जाते हैं, समय ये फाइनल पास टाइम है हरिदास ठाकुर की तिरुभाव का, तो हमने देखा आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग। तो अब तक हमने देखा आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे जिंदगी बिताना है, कैसे जिंदगी बिताना है, अलग अलग संघर्षों के बावजूद, अलग अलग संघर्षों से गुजरते हुए हमको भगवान का हरिनाम करता रहना है। सुखे दुखे बोले ना को बदले हरिनाम बोले, गृह ताको वने ताको सदा हरि बोले ना को, जहां पे भी है कौन सा भी अवस्था में हमको निरंतर हरिनाम करना है। तो ऐसा हरिनाम करते रहेंगे, भगवान मदद करेंगे हमारे अंत समय पे। तो हरिदास ठाकुर ऐसे उनके समय बीता गया और एक दिन ऐसा आया कि उनके शरीर में शक्ति नहीं था, बहुत वीक हो गए और बुजुर्ग भी हो गए, बहुत वीक भी हो गए। एक दिन गोविंद आते हैं, गोविंद कौन है, चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल सर्वेंट है। तो कभी कभी चैतन्य महाप्रभु स्वयं जाते थे हरिदास ठाकुर को प्रसाद देने के लिए, कभी अपने सर्वेंट गोविंद को भेजते थे। तो एक दिन गोविंद आते हैं भगवान का महाप्रसाद लेके और हरिदास ठाकुर इस बार लेट के जप कर रहे हैं और बहुत धीमी आवाज में जप कर रहे। तो गोविंद हरिदास को देख के बोलते हैं, अरे हरिदास आपका तबीयत ठीक है क्या। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं, मेरा शरीर तो ठीक है, मन ठीक नहीं है। तो गोविंद थोड़ा डर जाते हैं, तो भागे भागे महाप्रभु को जाके बोलते हैं हरिदास ठाकुर बीमार है। चैतन्य महाप्रभु सब छोड़ के हरिदास ठाकुर के पास आते हैं और हरिदास को बोलते हैं, हरिदास आपका तबीयत ठीक नहीं है। हरिदास वही चीज बोलते हैं, भगवान मेरा शरीर ठीक है पर मन स्वस्थ नहीं है। भगवान उनको बोलते हैं, आपका डिजीज क्या है, बीमारी क्या है। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं, मेरा प्रॉब्लम है, मैं 192 राउंड्स नहीं कर पा रहा, आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट माई राउंड्स। तो ये प्रामाणिक भक्त का लक्षण है, जब वो व्रत लेता है और वो व्रत का पालन नहीं कर पाता उसको बुरा लगना चाहिए, यू शुड फील बैड, और ये बीमारी होनी चाहिए, उसको लगना चाहिए ये मेरा बीमारी है, दिस इज माई डिजीज। तो हरिदास ठाकुर बहुत बताते हैं महाप्रभु को, मेरा 192 राउंड्स नहीं हो पा रहा है। तो महाप्रभु उनको बोलते हैं, हरिदास आपका अवतार हुआ है नाम का प्रचार करने के लिए, आपने इतना प्रचार कर दिया, अभी आपको 192 राउंड्स करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा घटाओ, थोड़ा कम करो। ये कौन बोल रहे हैं, महाप्रभु बोल रहे हैं। इमेजिन करो हमको ऐसा आज्ञा मिलेगा तो सबसे प्रसन्न रहेंगे, पर हरिदास ठाकुर प्रसन्न ही नहीं थे। हरिदास ठाकुर भगवान को बोलते हैं, नहीं भगवान मुझे सही नहीं लग रहा है। और उस समय हरिदास ठाकुर बोलते हैं, मुझे पता है बहुत जल्दी आपका लीला का समाप्ति होगा, इसलिए मैं आपके अंत्य लीला को देखना नहीं चाहता, आप सुराट हो, आपने मुझे
पुतले के रूप में नचाया है। मेरा जन्म हुआ था देश परिवार में, यवन परिवार में, फिर भी आपने मुझे इतना महान स्थान दिया, नामाचार्य का स्थान दिया, अद्वैत आचार्य का जो श्राद्ध पात्र है वो प्राप्त किया, मुझे जो जीना था वो मैंने सब देख लिया, अभी मैं अपना शरीर त्यागना चाहता हूँ, आपकी उपस्थिति में अपना शरीर त्यागना चाहता हूँ। जब महाप्रभु ये सुनते हैं उनको इतना दर्द होता है, महाप्रभु बोलते हैं हरिदास मुझे जितना भी आनंद है आपके संग से मिलना है, मुझे अगर आप नहीं रहेंगे मैं कैसा जिंदा रहूंगा, मेरा भक्ति कैसे चलेगा। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं हरिदास ठाकुर को आपके संग से मेरा भक्ति चल रहा है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं बता रहे हैं हरिदास ठाकुर आप नहीं रहेंगे तो मेरा भक्ति कैसे होगा। भक्तों पर निर्भर होना सबसे प्रमुख लक्षण है। उस समय हरिदास ठाकुर भगवान को बोलते हैं हे भगवान आपके शब्दों में मुझे आप मोहित मत कीजिए, मैं तो एक तुच्छ कीड़ा हूं, संसार में कीड़ा मर गया कोई शोक करता है क्या, न्यूज़पेपर में आता है क्या चींटी मर गया, आज की ताजा खबर चींटी मर गया कहीं नहीं। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं मेरा इतना तुच्छ स्थान है, आपके महान महान भक्त हैं, मैं चला जाऊंगा आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये कौन बोल रहे हैं, हरिदास ठाकुर जो इतने महान भक्त हैं उनको लग रहा है आई एम इनसिग्निफिकेंट, पर हमारा स्तर क्या है, हमारे पास लेवल ही नहीं है, फिर भी आपको लग रहा है बहुत सिग्निफिकेंट है, हम नहीं रहेंगे तो मंदिर नहीं चलेगा, हम नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं चलेगा, वी फील दैट वेरी ग्रेट, हम नहीं आ रहेंगे तो आंदोलन नहीं चलेगा। पर हरिदास ठाकुर की बात है भगवान मैं चला जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, संसार चलेगा, आपका भक्ति चलेगा, आपका मिशन चलेगा। तो महाप्रभु उनको बुरा लगता है, चले जाते हैं। अगला दिन सुबह आते हैं फिर से जगन्नाथ मंदिर का दर्शन करके आते हैं, पर इस बार अकेले नहीं आते, अपने सब पार्षदों को लेके आते हैं, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, बटरेश्वर पंडित, मुकुंद दत्त, सब पार्षदों को लेके आते हैं। और हरिदास ठाकुर को आके पूछते हैं हरिदास ठाकुर आज का समाचार क्या है, व्हाट इज द न्यूज़ फॉर टुडे। हरिदास ठाकुर बोलते हैं भगवान जो आपका इच्छा आज का समाचार। तो चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को बोलते हैं कीर्तन शुरू करो, क्योंकि भगवान जानते हैं हरिदास ठाकुर का इच्छा क्या है। कीर्तन शुरू करते हैं, वृद्धेश्वर पंडित नृत्य करते हैं और सब भक्त नाचते हैं, कीर्तन कर रहे हैं। उस समय चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर का गुणगान करते हैं, इतना घंटों घंटों तक गुणगान करते हैं हरिदास ठाकुर का। और उस समय हरिदास ठाकुर इतने नम्र थे, इनका फाइनल डिसअपीयरेंस डे था, हरिदास ठाकुर फुट के हरेक भक्त के चरण कमल पे पड़ के भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, भक्तों के प्रति जो अपराध उन्होंने किया होगा माफी मांगते हैं, उनका चरण धूली देते हैं। तो ये हरिदास ठाकुर का चरित्र है। हरिदास ठाकुर निरंतर हरिनाम कर पाते थे क्योंकि उनका इतना नम्र अवस्था था, हमेशा भक्तों को सम्मान देना, अमानीना मान देना, स्वयं को मान के अपेक्षा नहीं पर तो दूसरों को मान देना। तो ऐसा करते हुए सब भक्तों से आशीर्वाद लेके हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु का जो चरण कमल है अपने छाती पर रखते हैं, अपने आंखों से भगवान का मुख कमल का दर्शन करते हैं और उनके मुंह से भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, और उनके इर्द गिर्द सब भक्त कीर्तन कर रहे हैं। और ये वातावरण में हरिदास ठाकुर अपना शरीर त्यागते हैं। तो दिस इज परफेक्ट डिपार्चर, भगवान के सानिध्य में भक्तों के साथ हरिनाम जप करते हुए अपना शरीर त्यागते हैं। उस समय सब भक्तों को भीष्मदेव का स्मरण होता है, श्री कृष्ण चैतन्य सब कैलव उच्चारण नामेन सहिति प्राण कैलव उत्क्रमण, भगवान का नाम का उच्चारण करते करते शरीर त्यागते हैं और सब भक्तों को भीष्मदेव का स्मरण होता है, क्योंकि भीष्मदेव का ये भाग्य था कि भगवान आए थे। देखिए दोनों जगह पे हरिदास ठाकुर उनका शरीर कमजोर हुआ था, वो भगवान के पास नहीं जा पाए, पर भगवान उनके पास आते हैं, भक्तों के साथ आते हैं। और भीष्मदेव भी बाण के शैया पे लेटे हैं, हिल तो नहीं सकते, मंदिर नहीं जा सकते, वृंदावन नहीं जा सकते, पर भगवान आते हैं अपने सब भक्तों के साथ। जितने भी ब्रह्मांड में महान भक्त थे, शुकदेव गोस्वामी, नारद मुनि, जितने भी थे सब लोग पहुंच जाते हैं भीष्मदेव के अंतिम समय में। तो ये होता है जब हम पूरी जिंदगी भर प्रयास करते हैं प्रामाणिकता से भक्ति करने का, जो अंत समय जिसका हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारा कंट्रोल किसके ऊपर है, जिंदगी के ऊपर हमारा कंट्रोल है, आर्ट ऑफ लिविंग के ऊपर हमारा कंट्रोल है, आर्ट ऑफ लिविंग हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर जब हम जिंदगी जीते हैं प्रामाणिकता से भक्ति करते हुए, अंत समय पे
जब हम निस्साय रहेंगे भगवान आएंगे मदद करने के लिए, भगवान अपने भक्तों को भेजेंगे मदद करने के लिए। और ऐसे हरिदास ठाकुर अपना शरीर जानते हैं और चैतन्य महाप्रभु को इतना प्रेम हरिदास से, हरिदास का शरीर देते हैं और चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं हरिदास को उठाते हुए। स्वरूप दामोदर बोलते हैं भगवान हरिदास को एक रथ पर बिठाते हैं, हरिदास ठाकुर के शरीर को रथ पर बिठाते हैं और संकीर्तन करते हुए समुद्र के पास जाते हैं और समुद्र में स्वयं चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के शरीर का स्नान कराते हैं, अभिषेक कराते हैं। और चैतन्य महाप्रभु घोषणा करते हैं आज से ये जो समुद्र है महानदी है, सबसे पवित्र स्थली है क्योंकि यहाँ पे हरिदास ठाकुर का अभिषेक हुआ है, हरिदास ठाकुर का चरण धूली यहाँ पे पड़ा है, तो यहाँ पे जो स्नान करेगा उसको कृष्ण प्रेम मिलेगा। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ एक जो गड्ढा है वो खोदते हैं, हरिदास ठाकुर का शरीर बहुत सम्मान के साथ रखते हैं, जगन्नाथ के जो वस्त्र हैं प्रसाद है वो रखते हैं और अपने हाथ से स्वयं समाधि बना रहे हैं। तो भगवान को इतना प्रेम हरिदास के प्रति, और इतना ही नहीं इसके बाद चैतन्य महाप्रभु स्वयं एक उत्सव अरेंज करते हैं हरिदास ठाकुर के तिरोबा में। चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपना संन्यास कपड़ा लेके भिक्षा मांग रहे हैं जगन्नाथपुरी के हर एक दुकान वाले के पास जाके भिक्षा मांग रहे हैं, आज मेरे भक्त हरिदास ठाकुर के तिरोबा का दिन है, स्वयं के लिए कभी नहीं किया और हरिदास ठाकुर के लिए भिक्षा मांगते हैं और भिक्षा मांग के सब भक्तों को बिठाते हैं और चैतन्य महाप्रभु स्वयं सर्विंग करते हैं। तो इतना प्रेम का चैतन्य महाप्रभु हरिदास को, और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं हरिदास आची ना पृथ्वी शिरोमणि तहां बिना रत्न शून्य वेदिनी। हरिदास ठाकुर ये पृथ्वी के शिरोमणि थे, अभी हरिदास ठाकुर के बिना पृथ्वी का ये जो मणि है वो नहीं है, अभी हम वांछित हो गए हरिदास ठाकुर के इस समय से। तो ये हरिदास ठाकुर का चरित्र हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इनसे बहुत प्रेरणा ले सकते हैं। इसलिए जब मैं कीर्तन करते हुए अगर आपको लगता है माया का आक्रमण हो रहा है या मन नहीं लग रहा है, बेस्ट तरीका है हरिदास ठाकुर का स्मरण। हरिदास ठाकुर का स्मरण करते ही एक नया ऊर्जा आता है, एक नया शक्ति आता है। तो एक और प्रे को हरिदास ठाकुर, हम सब हरिदास ठाकुर से प्रार्थना कर सकते हैं कि हम पर हम भी जिंदगी भर हरिनाम का जप करते रहें, जो भी अड़चन है जो भी प्रलोभन है उसके बावजूद उसको लांघते हुए हम हरिनाम करें। और हम भी आशा करते हैं कि अंत समय में हम भी भगवान का नाम का स्मरण कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्ण। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, जय जय हरिदास, हरे कृष्ण।